हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एडुकेशियस। एडुकेशियस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हाजिर है हम आज का इकोनॉमिक टाइम्स एनालिसिस लेके। आज है 8 दिसंबर 2023। आज कुछ इवेंट्स हैं, जैसे कि आरबीआई की जो बाई मंथली मीटिंग है, वो भी उसका भी आज आउटकम आना है। देखिए उसका मार्केट पर क्या हाल रहता है, उसके अंदर क्या रेपो रेट को चेंज किया जाएगा या फिर क्या इंडिसेस चेंज किए जाएंगे, क्या रेट्स हैं जो भी इंडिसेस के, क्या वो चेंज किए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आज का हम डिस्कशन। पहली खबर है, आईटीसी बीट्स अडानी ब्रिटानिया एंड पार्ले टू बिकम द लार्जेस्ट एफएमसीजी इन फूड स्पेस। मतलब जो आईटीसी लिमिटेड है, जिसका आज क्या आता है, आशीर्वाद आटा आता है और बहुत सारे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स आते हैं, उन्होंने इस बार जो एफएमसीजी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, उसके अंदर अडानी विलमार ब्रिटानिया और पार्ले तीनों को पीछे छोड़ दिया है। और इसकी जो सेल रही है वो 17,100 करोड़ रही है इन दी 9 मंथ्स टू सितंबर। सितंबर तक के 9 महीने रहे हैं उसके अंदर। इस साल में आईटीसी की एफएमसीजी सेल्स रही 17,100 करोड़ रुपए, ब्रिटानिया की 16,700 करोड़, अडानी विलमार 15,900 पे है और पार्ले की 14,800 करोड़ रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर भी 12,200 करोड़ रुपए का इस बार एफएमसीजी प्रोडक्ट में कारोबार किया है। बेसिकली आईटीसी हैज जंप्ड फ्रॉम फोर्थ स्पॉट इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर व्हेन अडानी वाज लीडिंग द मार्केट। लास्ट ईयर अडानी विलमार लीड कर रहा था, इस बार आईटीसी ने चौथे स्थान से अपना पहला स्थान बना लिया है। चलते हैं आगे। स्टेटस क्वो टू कंटिन्यू, आरबीआई में रिटेन रेपो रेट्स एंड फोकस ऑन लिक्विडिटी टाइटनिंग, जीडीपी एम्स में सी अपस्टिक। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग है और उसके आज आउटकम आने हैं। तो हमारे आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास क्या अनाउंस करेंगे, क्योंकि बेसिकली अनाउंसमेंट जो रहती है वो इंटरेस्ट रेट को या फिर जीडीपी या इन्फ्लेशन के फोरकास्ट को लेके ही रहती है, जिसका मार्केट में और इकोनॉमी पे काफी इम्पैक्ट रहता है। तो आज 10 बजे के करीब, जो आज 8 दिसंबर है, 10 बजे के करीब हमारे आरबीआई गवर्नर क्या अनाउंस करते हैं, क्या रेपो रेट, बेसिकली जो कुछ इकोनॉमिस्ट हैं, कुछ पैनल्स हैं, उनके हिसाब से जब इकोनॉमिक टाइम्स ने पूछताछ की, पोल लिया गया 10 इकोनॉमिस्ट का, तो उन्होंने, उनका ये कहना था कि ऑलरेडी हमने रेपो रेट बढ़ा दिया है 250 बेसिस पॉइंट से लास्ट ईयर से लेके फरवरी 2023 तक, जो ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं मई 22 से फरवरी 23 तक 250 बेसिस पॉइंट, जिसको हम 2.5% भी बोलेंगे, ऑलरेडी बढ़ा दिया है। तो अभी इस बेंचमार्क रेट भी बोलते हैं हम रेपो रेट। रेपो रेट क्या रेट होता है, इट इज द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स टू बैंक्स। ये वो रेट है जिस रेट पे, दर पे आरबीआई बैंक्स को कर्जा देता है या फिर पैसे देता है, लिक्विडिटी देता है। तो इस रेट के अभी घटने या बढ़ने की संभावना नहीं है। यूजुअली क्या होता है, रेपो रेट अगर बढ़ा दिया जाता है तो इसका मतलब हमारे जो रिटेल कंज्यूमर के इंटरेस्ट रेट्स में भी वृद्धि होती है, चाहे वो हाउस लोन हो चाहे वो व्हीकल लोन हो। और ये घटा दिया जाता है तो वो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट के हिसाब से चीजें रहती हैं। तो अगर बढ़ा दिया जाता है मतलब लिक्विडिटी कम हो जाती है मार्केट में। अगर इन्फ्लेशन ज्यादा हो रखा है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को इंक्रीज कर दिया जाता है ताकि लिक्विडिटी कम हो मार्केट के अंदर, पैसा कम हो और जिससे मॉडरेशन आ सके। और अगर बूस्ट करनी हो इकोनॉमी तो रेपो रेट को कम कर दिया जाता है ताकि लिक्विडिटी इंक्रीज हो जाए। तो ये रेपो रेट वो बेंचमार्क रेट होता है जिस रेट पे आरबीआई लेंड्स करता है इस अपने बैंकिंग सेक्टर को। बेसिकली जो फोकस रहेगा वो लिक्विडिटी टाइटनिंग को रहेगा, लेकिन लिक्विडिटी टाइटनिंग को तो रहेगा लेकिन रेपो रेट के साथ संभावित है कि कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ऑलरेडी रेपो रेट को 250 बेसिस पॉइंट तक बढ़ाया गया है। अभी जो हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, तो हमारे आरबीआई के जो टारगेट्स के अंदर ही है इन्फ्लेशन। नॉन कोर इन्फ्लेशन है जो कि फूड और फ्यूल के प्राइसेस, क्योंकि फूड के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, बट जो कोर इन्फ्लेशन है दैट इज सॉफ्टनिंग, वहां पे कोई इतना इश्यू नहीं आ रहा है। इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन या फिर जो भी मैं टर्म्स यूज कर रहा हूँ, CRR या फिर रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इससे रिलेटेड हमारी एक वीडियो इंपोर्टेंट इकोनॉमी टर्मिनोलॉजी नाम से और हम लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर कॉम्युलेटिव बहुत सारी जो इकोनॉमिक्स के अंदर डे टू डे यूज के अंदर टर्म्स यूज होती हैं वो एक साथ आपको
कंडेंस्ड फॉर्म में मिल जाएंगी। तो देखते हैं आज आरबीआई क्या फैसला लेके आता है, उसके बाद कल हम डिस्कशन करेंगे जो भी आउटकम्स आएंगे आज की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के। टाटा प्लान कर रहा है नई आईफोन फैक्ट्री का, एप्पल इंडिया के अंदर एक्सपेंशन के लिए टाटा प्लान कर रहा है। टाटा ग्रुप प्लान्स टू बिल्ड वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट आईफोन असेंबली यूनिट टैपिंग एप्पल इंक्लूसिव एम्बिशियस प्लान टू इंक्रीज मैन्युफैक्चरिंग इन दी साउथ एशियन कंट्री। तो यह कहां कंस्ट्रक्ट करना चाहता है, होसूर के अंदर जो कि सदर्न तमिलनाडु स्टेट के अंदर एक जगह है, वहां पे टाटा कंस्ट्रक्ट करना चाहता है एक नई फैक्ट्री। द फैक्ट्री विल लाइकली टू हैव 12 असेंबली लाइन, 20 असेंबली लाइन, 20 असेंबली लाइन होंगी एंड दैट विल एम्प्लॉय 50,000 वर्कर्स, मतलब बहुत अच्छी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एक प्लांट से होगी। तो ये टाटा ग्रुप अब ऑलरेडी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और अभी होसूर के अंदर एक और प्लांट लगाना चाहता है 2 साल के अंदर अंदर, एंड द गोल इज फॉर द साइट टू बी ऑपरेशनल विद इन 12 to 18 months। तो बेसिकली ये एप्पल की जो हमारी एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी है वो बढ़ाएगी, इंडिया के अंदर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को बढ़ाया जाएगा और मोबाइल फोन्स की प्रोडक्टिविटी जो हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के अंदर बहुत ही नेसेसरी है वो भी बढ़ेगी। इंडिया इंक्लूसिव लोड्स अपॉन प्राइवेटली प्लेस्ड डेट लाइक नेवर बिफोर। अभी क्या है, इंस्टेड ऑफ आईपीओ या फिर दूसरे इक्विटी ऑप्शंस देखने की बजाय जो इंडियन कंपनीज हैं, चाहे वो पब्लिकली ओन्ड कंपनीज हो चाहे वो प्राइवेट ओन्ड कंपनीज हो, वो बेसिकली कहां से फंडिंग लेने को फोकस कर रही हैं, लो कॉस्ट प्राइवेट प्लेसमेंट रूट टू रेज फंड्स। तो ये फंड मोबिलाइजेशन कॉरपोरेट बॉन्ड्स के थ्रू हो रहा है जो कि प्राइवेट कॉरपोरेट बॉन्ड्स हैं, ठीक है, चाहे वो फॉरेन के, उससे फंड मोबिलाइजेशन किया जा रहा है इंस्टेड ऑफ आईपीओ, इंस्टेड ऑफ अदर इंस्ट्रूमेंट। तो 8.97 लाख करोड़ 2023 फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमने फंड मोबिलाइज किया है थ्रू कॉरपोरेट बॉन्ड्स। अभी तक 3 हफ्ते बाकी भी हैं, तो इसका मतलब ये जो फिगर है ये और बढ़ने की संभावना है। तो इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 2020 में हमने इसी रूट के थ्रू 7.95 लाख करोड़ रेज किए थे। बेसिकली हमें इतनी फंडिंग की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि इंक्रीज्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है बहुत ज्यादा है, इंडिया का इकोनॉमिक सेक्टर बूम कर रहा है और फास्टर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ आकी जा रही है और हो रही है, कपल्ड विद लो कॉस्ट ऑफ फंडिंग और फंडिंग की कॉस्ट जो है वो फंड अक्वायर करने की वो भी कम है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट एमर्जेस एज द मोस्ट कॉस्ट एफिशिएंट मेथड फॉर स्विफ्टली रेजिंग कैपिटल कंपेयर टू अदर फॉर्म ऑफ फंड रेजिंग लाइक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और बैंक लोन। तो कंपनीज इन तीनों की बजाय जो प्राइवेट प्लेसमेंट की तरफ ध्यान दे रही है, कॉरपोरेट बॉन्ड्स की तरफ ध्यान दे रही है क्योंकि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है और इसमें कंप्लायंस की जरूरत भी बहुत कम रहती है, क्या जबकि हमें बैंक लेना है या आईपीओ लेना है या QIPs से लेना है तो हमें बहुत ज्यादा सेबी से अप्रूवल चाहिएगा और बहुत ज्यादा हमें इसके अंदर कागज कार्रवाई भी लगती है, फॉर्मेलिटीज भी लगती है और बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाता है उसकी बजाय, और ये इसकी बजाय ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी रहता है। उसकी बजाय जो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कॉरपोरेट बॉन्ड्स के थ्रू जो पैसा आता है उसके अंदर लेस कंप्लायंस है और इजिली कैपिटल आ जाता है, अलोंग विद दैट इट इज अ चीप रूट ऑफ फंडिंग। जो टोटल पब्लिक सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 3.15 लाख करोड़ इसके अंदर जो टोटल हमने फिगर जो बताई है 8.97 लाख करोड़ उसके अंदर से पब्लिक सेक्टर बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने 3.15 लाख करोड़ इसके अंदर से रेज किया कॉरपोरेट फंड्स के थ्रू, प्राइवेट सेक्टर या फिर एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ने 2.21 लाख करोड़ किया और कॉरपोरेट्स ने जैसे कि रिलायंस है या अडानी है, बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज ने 2.06 लाख करोड़ इस रूट के थ्रू फंडिंग ली है। तो ये बेसिकली primedatabase.com ने बताया है। जिसने सबसे ज्यादा बड़ी फंडिंग ली है वो है एचडीएफसी बैंक, जो कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक मर्ज हो गए हैं, उन्होंने इस प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कितनी फंडिंग ली है 2023 में 74,000 करोड़ ली है, एसबीआई ने 50,000 करोड़ ली है, नाबार्ड ने भी 50,000 करोड़ ली है और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 20,000 करोड़ इसके थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू फंडिंग ली है। जैक और वीरेंद्र जैन मेक्स हाईएस्ट बिड फॉर रोल्टा इंडिया। रोल्टा इंडिया एक डिफेंस सेक्टर की सॉफ्टवेयर कंपनी है, आईटी कंपनी है जो कि अभी
इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के अंदर चल रही है, और उसके इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी से लगाने के लिए जो कि ज्यादातर यूनियन बैंक का इसके ऊपर कर्जा है उससे, और एक फॉरेन एंटिटी का भी कर्जा है उससे निकालने के लिए रोल्टा इंडिया की अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स चल रही है, जहां पे बिड लगाई जा रही है। और सबसे बड़ी बिड जो लगाई है वो वीरेंद्र जैन जो कि वाइस चेयरमैन है जैक कॉरपोरेशन के, उन्होंने बिड लगाई है 725 करोड़ रुपए की बिड लगाई है इसका, कुछ 5% की डेट लेडन के लिए, और अलोंग विद सम कंडीशनल पेमेंट, इसकी कुछ कंडीशनल पेमेंट के लिए भी साथ में बिड लगी हुई है। बेसिकली ये जो कंपनी है वो एलिगेशन फ्रॉड के एलिगेशन को फेसिस कर रही है। जो मोस्टली जो बिड आई है वो 500 से 700 करोड़ के बीच में आई है, और जो टोटल डेट है कंपनी का, डेट है वो कितना है, 14,000 करोड़ रुपए का इसके ऊपर डेट है, कर्जा है, इसको निकालने की कवायद चल रही है, और जिसके अंदर वीरेंद्र जैन जो कि जैक कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन है उन्होंने अपने पर्सनल उससे ये बिड लगाई है, जिसके अंदर अगर कंडीशनल पेमेंट को अलग कर दें तो ये बिड 480 करोड़ रुपए की है। इसके अंदर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का कर्जा 7100 करोड़ है, और एक फॉरेन एंटिटी अनसिक्योर्ड फॉरेन एंटिटी का है 6699 करोड़, 6699 करोड़, तो अप्रोक्सीमेटली ये लगा लीजिए 14,000 करोड़ के करीब हो गया है। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट, हियर इज द ट्रेडिंग सेटअप फॉर टुडेज सेशन। आज गिफ्ट निफ्टी जो खुला है वो फ्लैट खुला है, ना उसमें गैप अप देखने को मिला ना गैप डाउन देखने को मिला, तो देखते हैं अभी अपनी मार्केट भी क्या रुझान रहेगा। आज बेसिकली जो स्टॉक मार्केट्स रहेंगी वो बड़ा डिपेंड करेगा कि आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो अनाउंसमेंट है उसके अंदर क्या अनाउंसमेंट करता है, उसके बेसिस पे ही हमारी मार्केट अप या डाउन जाने के काफी संकेत हैं। पिछले एक हफ्ते से काफी रैली कर रही थी मार्केट, बुल मार्केट थी, अभी देखते हैं कि इस अनाउंसमेंट के बाद मार्केट का क्या दौर रहता है। इकोनॉमी गेनिंग फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट, निर्मला सीतारमण हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने बताया है कि इंडिया कंटिन्यूज टू बी द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी विद ऑल सेक्टर्स बूमिंग, विद ऑल सेक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली। उन्होंने कहा है कि जो इंडिया की अभी इकोनॉमिक डेवलपमेंट या इकोनॉमिक ग्रोथ जो दिखाई दे रही है, बूम दिखाई दे रहा है, वो बेसिकली इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जाता है, जिसके अंदर दो बड़े मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हिस्सा है, एक तो इंडिया का मोबाइल फोन और एक पैसेंजर व्हीकल एक्सपोर्ट। मोबाइल फोन की बहुत ही ज्यादा इसके अंदर इंपॉर्टेंस रही है और पैसेंजर व्हीकल के एक्सपोर्ट की रही है। सेकंड क्वार्टर जो हमारा था उसकी जो ग्रोथ थी वो बहुत ज्यादा थी, और इतनी ज्यादा थी कि इट कुड बी इट इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ सेकंड क्वार्टर में जो की है वो इंडिया ने की है। तो ये एक डिस्कशन के दौरान उन्होंने बोला है, उन्होंने यही कहा है कि द इकोनॉमी ग्रू एट बेटर देन एक्सपेक्टेड 7.6% इन सितंबर क्वार्टर। तो और उन्होंने इंपोर्टेंस दिया है कि महिलाओं का भी जो इकोनॉमी के अंदर है काफी योगदान बढ़ना चाहिए, और इसी बेस पे उन्होंने फीमेल पार्टिसिपेशन के ऊपर भी बात को जोर दिया है। द मिनिस्टर हाईलाइटेड द नीड फॉर बोल्स्टरिंग फीमेल पार्टिसिपेशन इन एवरी स्फीयर ऑफ इकोनॉमी, वी नीड मोर वीमेन इन पॉलिसी मेकिंग, मोर वीमेन इन बोर्ड रूम एंड मोर वीमेन इन बिजनेस एंड मोर ऑन दी शॉप फ्लोर्स। तो इन्होंने कहा है कि जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की बजाय हम वीमेन का पार्टिसिपेशन ज्यादा रहेगा तो इकोनॉमी और बूस्ट अप करेगी। उन्होंने ये भी बताया कि जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 17.8% से घटके 10% आ गया है एज पर दी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के हिसाब से भी करीबन 135 मिलियन पीपल हैव कम आउट ऑफ दिस पॉवर्टी लाइन। तो ये सब इन्होंने बोल रहे थे ऑन द साइडलाइंस ऑफ और हमारे मिनिस्टर ने जो कार्बन टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा, जो ग्रीन टैक्स बोल दीजिए या कार्बन टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं कि अगर हम इंपोर्ट करेंगे तो जो इंपोर्ट रहेगा वो ऑन ग्रीन एनर्जी से ही बना होना चाहिए, अदरवाइज वी विल पुट अ बिग टैरिफ ऑन दैट। तो इसके ऊपर भी हमारे निर्मला सीतारमण जी ने इसके ऊपर कंसर्न बताया कि इट इज अ वन साइडेड मूव बाय द एडवांस इकोनॉमी की आप लोगों ने जब अपना डेवलपमेंट करना था तब तो पूरा बायो फॉसिल फ्यूल्स यूज किए और अपने आप को एक डेवलप्ड नेशन बना लिया, लेकिन अब जब डेवलपिंग कंट्रीज अपना एडवांसमेंट कर रही है यूजिंग फ्यूल्स एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल एज वेल एज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, तो आप ये एक वन साइडेड मूव में हाई कार्बन गुड्स को अपने यहाँ पे इम्पोर्ट होने से
रोक रहे हो, तो दिस इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोबल साउथ, ये डेवलपिंग कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ है और ये एक वन साइडेड मूव है। पिचिंग फॉर द इंक्लूसिव ग्लोबल ग्रोथ आई विल इम्पोज, द मिनिस्टर सेड आई विल इम्पोज यू अ सर्टेन टैक्स बिकॉज यू आर कमिंग अप विद नॉन ग्रीन प्रोडक्ट एंड विद दैट मनी आई विल मेक माई इंडस्ट्री ग्रीन। द बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लॉजिक जस्ट गोज अगेंस्ट द कंसर्न ऑफ द ग्लोबल साउथ, कि मैं आपके ऊपर एक टैक्स लगाऊंगा क्योंकि आप नॉन ग्रीन प्रोडक्ट्स, नॉन ग्रीन एनर्जी रिसोर्सेज से प्रोडक्ट बना रहे हो और वो जो टैक्स लगाऊंगा उसको मैं अपनी ग्रीन एनर्जी बनाने में यूज करूंगा, भला दिस इज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द डेवलपिंग इकोनॉमी या फिर ग्लोबल साउथ। तो ये सब स्ट्रेस जो निर्मला सीतारमन जी बोल रहे थे एक शॉर्ट इंटरव्यू के दौरान। तो आज के इकोनॉमिक टाइम्स में बस इतना ही, हाजिर होंगे हम कल अपना नया इकोनॉमिक टाइम्स का एनालिसिस लेके। साथ इसके साथ साथ हम जो इम्पोर्टेंट टर्म्स होती हैं इकोनॉमिक्स की उनकी एक कॉम्युलेटिव वीडियो भी लेके आ रहे हैं और जो भी टर्म्स जैसे A1T बॉन्ड्स हैं, इस टाइप की जो भी बॉन्ड्स से डिबेंचर से रिलेटेड जो जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हमारे एनालिसिस के अंदर आएंगी, हम उनके लिए एक अलग अलग वीडियो या फिर उनसे रिलेटेड जो डिस्कशन या डिटेल्ड एनालिसिस हम लेके आते रहेंगे एडुकेशियस पे। बीवी दस, बीवी द एडुकेशियस। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।